गुड मॉर्निंग एवरी वन वेलकम बैक टू द चैनल आज इस वीडियो में हम फिफ्टींथ मार्च के करंट अफेयर डिस्कस करेंगे स्टार्ट करते हैं वट इज़ द न्यूली अप्रूव्ड नेम फॉर अहमद नगर सिटी बाय द महाराष्ट्र कैबिनेट तो अहमदनगर शहर का नया नाम क्या है अहिल्या नगर रखा गया है महाराष्ट्र कैबिनेट के द्वारा अहिल्या बाई होलगर को ऑनर करते हुए यह नाम महाराष्ट्र के सी एम एक नाथ शिंदे के द्वारा अनाउंस किया गया है एटीन सेंचुरी की मराठा क्वीन है वो अहमदनगर शहर जो है 1494 में अहमद निज़ाम शाह के द्वारा इसको फाउंड किया गया था अहमदनगर लेटर बिकेम द कैपिटल ऑफ द इंडिपेंडेंट सल्तनत ऑफ अहमदनगर और और अभी कुछ समय पहले महाराष्ट्र के औरंगाबाद का नाम छत्रपति संभाजी नगर और उस्मानाबाद का नाम धाराशिव कर दिया गया है रिसेंटली जो नाम चेंज किए गए उनको यहाँ देख लेते हैं अयोध्या रेलवे स्टेशन का नया नाम है अयोध्या धाम अयोध्या एयरपोर्ट का नाम है महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट राजपथ का नाम कर्तव्य पथ है मुगल गार्डन का नाम अमृत उद्यान कर दिया गया था अलीगढ़ यूपी में जगह है इसका नाम हरिगढ़ किया गया है टर्की का नाम तुर्की हो गया है उधमपुर रेलवे स्टेशन का नाम है मार्टिन कैप्टन तुषार महाजन रेलवे स्टेशन खेलो इंडिया वेमेंस लीग का नाम चेंज करके अस्मिता वेमेंस लीग कर दिया गया और चर्च गेट रेलवे स्टेशन जो मुंबई में है इसका नया नाम है सीडी देशमुख रेलवे स्टेशन हाउ मनी अफ्रीकन कंट्रीज हेल्थ मिनिस्टर्स वर इन्वॉल्व इन द कमिटमेंट टू एंड मलेरिया डेथ्स थ्रू द याउंडे डे तो ये कितनी अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं थर्टीन पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज इंक्लूड बुरकीना फासो कैमरून कोंगो घाना माली मोजाम्बिक नाइजर नाइजीरिया सूडान युगांडा और तंजानिया ये तेरह कंट्रीज इसमें शामिल हुई हैं अफ्रीका जो है प्री डोमिनेट रीजन है जो कि मलेरिया से अफेक्टेड है 94 परसेंट ऑफ ग्लोबल केसेस देखने को मिलते हैं अफ्रीका में मलेरिया के और 95 परसेंट ऑफ ग्लोबल मलेरिया रिलेटेड डेथ्स अफ्रीका में होती हैं सिर्फ 2022 में लगभग पाँच लाख अस्सी हज़ार डेथ हुई थी मलेरिया के कारण तो इसी वजह से ये डिक्लेरेशन तेरह कंट्रीज ने किया है इन अफ्रीका की इन तेरह कंट्रीज ने कि ये मलेरिया को खत्म करने की कोशिश करेंगे और मलेरिया की वजह से जो डेथ्स होती हैं उन्हें एंड करेंगे हु हैज़ बीन सेलेक्टेड एज द न्यू इलेक्शन कमिश्नर इलेक्शन कमिश्नर नए रिसेंटली चुने गए हैं सुखबीर संधु और ज्ञानेश कुमार ऑप्शन डी करेक्ट होगा ए एंड बी बोथ हैं सिलेक्शन अप्रूव्ड बाय द कमेटी लेड बाय पीएम मोदी विद पार्टिसिपेशन फ्रॉम कांग्रेस लीडर अधीर रंजन चौधरी और अपॉइंटमेंट कौन करता है प्रेजिडेंट करते हैं लोकसभा है इलेक्शन अभी होने वाले हैं और इससे हमने कुछ समय पहले ही देखा था कि इलेक्शन कमिश्नर्स ने अपना इस्तीफा दे दिया था तो इलेक्शन कंप्लीट करवाने के लिए जरूरी है इलेक्शन कमिश्नर तो उस वजह से इन दोनों को अपॉइंट किया गया है एज न्यू इलेक्शन कमिश्नर्स इलेक्शन कमीशन की बेसिक चीज़ें यहाँ पर देख लेते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया सेल्फ गवर्निंग कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है जिसे 25 जनवरी 1950 को स्टेब्लिश किया गया था और इसी कारण से 25 जनवरी को नेशनल वोटर्स डे भी सेलिब्रेट करते हैं आर्टिकल 324 संविधान का इसके बारे में है और उसमें बोला गया है कि एक इलेक्शन कमीशन होगा जो कि भारत में इलेक्शन प्रोसेस को रेगुलेट करने का काम करेगा ऑरिजिनली हैड अ सिंगल इलेक्शन कमिश्नर और फिर बाद में 1989 में अमेंडमेंट के जरिए मल्टी मेंबर बॉडी इसको बनाया गया अभी हम देखते हैं तीन इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर है और दो इलेक्शन कमिश्नर्स हैं आई लेवल ऑफिसर्स होते हैं ये मेंबर हैव मेम्बर ईयर टर्म और अनटिल दे रीच एज ऑफ सिक्सटी फाइव सुप्रीम कोर्ट के जजेस के पास जो स्टेटस सैलरी और बेनिफिट्स होते हैं वो सभी ये इंजॉय करते हैं द प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट्स पॉइंटसा चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड इलेक्शन कमिश्नर्स हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद द अवार्ड ऑफ आउट स्टैंडिंग मेल क्रिकेटर ऑफ द ईयर फॉर न्यूजीलैंड इनका नाम है रचिन रविंद्र ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है रचिन रविंद्र एंड मेलीकेयर ऑनर्ड एंड आउटस्टैंडिंग मेल एंड फीमेल क्रिकेटर्स रचिन रविंद्र को सर रिचर्ड हेडली मेडल इसके लिए दिया गया है न्यूजीलैंड में ही ये अवार्ड सेरेमनी हुई थी बस यही दोनों प्लेयर्स का नाम याद रखिएगा यहाँ स्पोर्ट्स रिलेटेड करेंट अफेयर रिवाइज कर लेते हैं पी बी टी स्पोर्ट मेन्स एथलीट ऑफ़ द ईयर ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री अवार्ड मिला है विराट कोहली को बी सी सी आई अवार्ड ट्वेंटी ट्वेंटी फोर बेस्ट इंटरनेशनल क्रिकेटर ऑफ ट्वेंटी ट्वेंटी टू ट्वेंटी थ्री शुभमन गिल और दीप्ति शर्मा को दिया गया है एफ आई एच हॉकी फाइव वुमेंस वुमेंस वर्ल्ड कप नीदरलैंड जीता है इंडिया को हरा कर इंडिया के सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी इन्होंने सिल्वर जीता है इन मैंस डबल्स ऑफ इंडिया ओपन बैडमिंटन ट्वेंटी ट्वेंटी फोर मध्य प्रदेश इमर्ज होकर आया है एज द ओवरऑल चैम्पियन एट द इनागरल बीच गेम्स ट्वेंटी ट्वेंटी फोर ये बीच गेम्स कहां पर हुए थे दीव में हुए थे गोघला बीच पर साउथ अफ्रीका ने होस्ट किया आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2024 इंग्लैंड होस्ट करेगा 2027 का वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल इंडियन पेयर ऑफ रिदम सांगवान एंड उज्जवल मलिक इन्होंने जीता है पहला गोल्ड मेडल एट आई शूटिंग वर्ल्ड कप 2024 इन कारो और दिव्यांश सिंह पवार इन्होंने आई वर्ल्ड कप में गोल्ड जीता है टेन मीटर एयर राइफल इवेंट में अगला क्वेश्चन है हु लॉन्च प्रसार भारती भारतीज़ न्यूज सर्विस पीबी शब्द इसको अनुराग ठाकुर के द्वारा लॉन्च किया गया है हमारे इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर हैं पीबी शब्द प्रसार भारती ने शुरू किया है अनुराग ठाकुर ने इसको इनाग्रेट किया है पीबी शब्द ऑफर्स अ कम्प्रिहेंसिव न्यूज़ फीड इन वेरियस फॉर्मेट्स वीडियो ऑडियो टेक्स्ट एंड फोटो प्रसार भारती एक पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टर है अब ये जो पी बी शब्द है इसके जरिए अलग अलग मीडिया सोर्सेज के जरिए डेली अपडेट्स कस्टमर्स को प्रोवाइड की जाएगी नेक्स्ट देखते हैं प्रसार भारती के बारे में बेसिक चीजें देख लेते हैं इट इज़ अ पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टर ऑफ द कंट्री एक स्टैच्यूट्री ऑटोनॉमस बॉडी है जिसे 1997 में स्टेब्लिश किया गया था अंडर द प्रसार भारती एक्ट पर्पस इसका क्या है टू कंडक्ट पब्लिक ब्रॉडकास्टिंग सर्विसेज फॉर द पर्पस ऑफ इन्फॉर्मिंग एंड एंटरटेनिंग द पब्लिक

Over 250 किया in किया गया इनको manufacture किया गया है, semi -high speed, self -propelled train है, है। इनको फरवरी पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा और तब से अभी तक हम देखते हैं 102 वंदे भारत ट्रेन भारत में रनिंग है कमेटी फॉर्म्ड ऑन नेशन वन इलेक्शन इट्स रिपोर्ट हु इज द चेयरमैन ऑफ दिस के चेयरमैन है राम, रामनाथ कोविंद और प्रेसिडेंट को द्रौपदी मुर्मू को इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट अभी सबमिट की है दो सितंबर 2023 में इस कमेटी को बनाया गया था आठ मेंबर कमेटी है ये रा, रामनाथ कोविंद इसके हेड हैं कमेटी इंक्लूड्स होम मिनिस्टर अमित शाह एंड फॉर्मर एम गुलाम नबी आज़ाद जापान फर्स्ट प्राइवेट रॉकेट एक्सप्लोर सेकेंड्स इन टू डेब्यू लॉन्च वट इज़ द नेम ऑफ द रॉकेट इस रॉकेट का नाम है कायरोज ऑप्शन डी करेक्ट है तो याद रखिएगा कायरोज रॉकेट किस कंट्री का है अगर ऐसा कुछ पूछा जाए तो याद रखिएगा जापान का है पहला प्राइवेट रॉकेट और टोक्यो बेस्ड स्टार्टअप है स्पेस वन जिसने ये अटैम्प्ट किया था इसको भी याद रख सकते इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है यहाँ पर इम्पॉर्टेंट कमेटी देख लेते हैं स्टेटिक जी की स्वर्ण सिंह कमेटी 1976 में इसे बनाया गया था और इसने क्या रिकमेंड किया फंडामेंटल ड्यूटीज़ को संविधान में शामिल किया जाए ये इसके द्वारा रिकमेंड किया गया और फिर इसके रिकमेंडेशन को माना भी गया फोर्टी सेकेंड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के ज़रिए फंडामेंटल ड्यूटीज़ को संविधान में शामिल किया गया तो अगर पूछा जाए कौन सी कमेटी की अनुशंसा पर किया गया तो ये थी स्वर्ण सिंह कमेटी 1976। फिर नेक्स्ट आती है मंडल कमीशन 1979। मंडल कमीशन के रिकमेंडेशन के जरिए ही ओ को ट्वेंटी रिजर्वेशन जॉब्स में दिया गया अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स द कमेटी इज हेडेड बाय बीपी मंडल और इन्हीं के नाम पर इसका नाम मंडल कमीशन पड़ गया सरकारिया कमीशन 1983 एटी थ्री ये बेसिकली स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों के बीच संबंधों को डिफाइन करने के लिए और बैलेंस ऑफ पावर के लिए बनाया गया था इसको कमीशन वॉज हेडेड बाय राजेंद्र सिंह सरकारिया और इन्हीं के नाम पर सरकारिया आयोग इसका नाम पड़ा फिर है दिनेश गोस्वामी कमेटी 1990 में इट वॉज फॉर्म्ड टू मेक रिकमेंडेशन ऑन इलेक्टोरल रिफॉर्म्स केलकर कमेटी बनाई गई थी टू स्टडी एंड एवेलुएट द पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल इन इंडिया और विजय केलकर इसके अध्यक्ष थे इन्हीं के नाम पर इस कमेटी का नाम पड़ा वर्ट्स द डेजिग्नेटेड थीम फॉर द इंटरनेशनल डे ऑफ एक्शन फॉर रिवर्स इन ट्वेंटी ट्वेंटी फोर इसके लिए थीम रखी गई है वाटर फॉर ऑल कब यह मनाया जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ एक्शन फॉर रिवर्स फोर्टीन मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है ऑफिशियल डेटा शोज रिवर्स है पास फिफ्टी 54 ईयर्स और इसीलिए ताकि इस तरफ हमारा ध्यान जाए ये दिन सेलिब्रेट किया जाता है 2024 की थीम वाटर फॉर ऑल नाइल रिवर लॉन्गेस्ट रिवर है ग्लोबली 6650 किलोमीटर की और गंगा लॉन्गेस्ट रिवर है भारत की 25 25 किलोमीटर ठीक है नेक्स्ट आते हैं यहाँ पर 14 मार्च को ही पाई डे भी सेलिब्रेट किया जाता है पाई डे इज सेलिब्रेटेड ऑन मार्च फोर्टीन ड्यू टू द सिग्निफिकेंस ऑफ थ्री वन एंड फोर विच रिप्रजेंट द फर्स्ट थ्री डिजिट्स ऑफ द पाई थ्री पॉइंट वन फोर इसका होता है ना यूनिट इसकी होती है ना वैल्यू द वैल्यू ऑफ पाई वॉज इनिशियली कैलकुलेटेड बाई द ग्रीक मैथमेटिशियन आर्कमिडीज ऑफ सेराक्यूज इन सेवनटीन थर्टी सेवन लेड यूलर इंट्रोड्यूस्ड पाई एम्बलम पहली बार पाई डे सेलिब्रेशन नाइनटीन एटी एट में हुआ था पाई डे को इनसाइट्स विद द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ फेमस फिजिसिस्ट एल्बर्ट आइंस्टीन अब यहाँ पर मार्च के इंपॉर्टेंट डेज कुछ देख लेते हैं फर्स्ट मार्च होता है जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे एंड वर्ल्ड सिविल डिफेंस डे तीन मार्च को वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे थीम है कनेक्टिंग पीपल एंड प्लानट आठ मार्च को होता है इंटरनेशनल वेमेंस डे इसकी थीम है इन्वेस्ट इन वेमेन एक्सेलेट प्रोग्रेस फोर्टीन मार्च को इंटरनेशनल डे ऑफ मैथमेटिक्स होता है इसकी थीम है प्लेइंग विद मैथ पंद्रह मार्च को वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे फेयर एंड रिस्पॉन्सिबल ए फॉर कंज्यूमर्स इसकी थीम है सोलह मार्च नेशनल वैक्सीनेशन डे बीस मार्च को इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस बीस मार्च को वर्ल्ड स्पेरो डे होता है और इक्कीस मार्च को इंटरनेशनल फॉरेस्ट डे होता है वेन विल हैदराबाद इंडिपेंडेंस डे बी सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ये, ये सेलिब्रेट होता है सेप्टेम्बर सेवनटीन अब इसकी बात क्यों हो रही है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स हैज़ नोटिफाइड दैट हैदराबाद लिब्रेशन डे विल बी मार्क्ड ऑन सेवनटीन सेप्टेम्बर एवरी ईयर इंडिया की आज़ादी के बाद तेरह महीने तक भी आज़ादी के बाद तेरह महीने तक भी हैदराबाद को इंडिपेंडेंस नहीं मिली थी और ये निज़ाम के रूल के अंडर था सत्रह सितंबर 1948 को निज़ाम के रूल से इसे लिब्रेट करवाया गया हैदराबाद को ऑपरेशन ऑपरेशन पोलो ऑपरेशन पोलो के तहत और इसे भारत का पार्ट बनाया गया ठीक है ऑपरेशन पोलो स्टार्ट हुआ था तेरह सितंबर को और सत्रह सितंबर को आज़ादी मिल गई थी है हैदराबाद को भारत का पार्ट वो फाइनली बन गया था न्यू डेज जो रिसेंटली अनाउंस किए गए हैं इनको देख लेते हैं ग्यारह सितंबर को महापॉयट डे होता है है जिसको अनाउंस किया गया है कि सेलिब्रेट किया जाएगा फोर्टीनथ अगस्त पार्टीशन ऑर्डरस रिमेम्बरेंस डे के रूप में ऑब्ज़र्व किया जाता है सत्रह मार्च को इंस्पिरेशन डे फोर्टीनथ अप्रैल इक्वालिटी डे सात अगस्त को जेवलिन थ्रो डे तेईस अगस्त नेशनल स्पेस डे पाँच अक्टूबर नेशनल डॉल्फिन डे पंद्रह नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस पच्चीस नवंबर को नो नॉनवेज डे उत्तर प्रदेश में इसको ऑब्ज़र्व किया जाता है तेईस जनवरी को परा पराक्रम दिवस और सोलह जनवरी को नेशनल स्टार्टअप डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है लास्ट में क्वेश्चन आप लोगों के लिए अकॉर्डिंग टू द सिपरी रिपोर्ट विच कंट्री रिमेन्ड द वर्ल्ड्स टॉप आर्म्स इंपोर्टर बिटवीन टू थाउजेंड टू टू यूनाइटेड स्टेट्स रशिया चाइना या फिर इंडिया आंसर बताइएगा इसका कमेंट में और इसी के साथ वीडियो का होता है एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग जय हिंद